नमस्कार, मेरा नाम सानिया छाबड़ा है और इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 84th रैंक हासिल किया है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए और मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी मेरे ऑप्शनल को लेके, जो कि सोशोलॉजी था। जो चॉइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे की जाती है। पहला पैरामीटर ये जो बिल्कुल बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, तभी ही आप उसको डिटेल में इन डेप्थ पढ़ पाएंगे। इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर जीएस से बाय चांस हम बोर हो रहे हैं तो हम ऑप्शनल की बुक्स उठा के पढ़ सकें। तो जब इतना इंटरेस्ट होगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो वो वाला सब्जेक्ट लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सेकंड पैरामीटर ये रहे कि उस ऑप्शनल को लेके क्या कुछ गाइडेंस या टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है या नहीं। अगर गाइडेंस और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहती है तो काफ़ी काम आसान हो जाता है, बिकॉज़ टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपका इवेल्यूएशन होता है और गाइडेंस के थ्रू आपको एक डायरेक्शन मिलता है। तो ये सेकेंड पैरामीटर जो मुझे लगा काफ़ी हेल्प किया मुझे प्रेपरेशन में, जो कि आपको भी आई बिलीव ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस को उठाएं और देखें कि वो सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है ऑप्शनल के लिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट हमने ग्रेजुएशन में करा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में करा है, तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए ऑप्शनल में ईजी होगा। बट उससे पहले आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें कि क्या उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे आपने ग्रेजुएशन में करे थे। अगर आ रहे हैं और उस तरह के आप आंसर्स लिख पाते हैं, तो आई बिलीव जो आप ऑप्शनल सोच रहे हैं वो सही होगा। तो ये तीन पैरामीटर्स रहे थे जब मैंने ऑप्शनल चूज़ किया था। आई बिलीव ये आपको भी हेल्प करेंगे। कमिंग टू मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेके, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो बिल्कुल बिगिनिंग से मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैंने कभी सोशोलॉजी पहले नहीं पढ़ा था, चाहे मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर था और उसकी सब्जेक्ट की इसके साथ काफ़ी सिमिलैरिटी है, काफ़ी तो नहीं पर काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर ने ज़रूर हेल्प किया। बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले +1 +2 की NCERT खोलें और उसको थॉरली, जो सोशोलॉजी की है, थॉरली पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सोशोलॉजी जनरली कैसा है और इंडियन सोसाइटी कैसी है। उससे आपका इन ब्रीफ पेपर 1 और पेपर 2 का काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर करना है फॉर बिगिनर्स, +1 +2 की सोशोलॉजी की NCERTs। सेकेंडली, आप इग्नू के जो BA और MA के नोट्स आते हैं उसको सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं उन टॉपिक्स के लिए जिनको आपको डिटेल में करना है, जैसे थिंकर्स हो गए। अगर ये नहीं करना है तो और दो रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे हरलंबस की ब्लू बुक और रिट्जर की थिंकर्स के लिए, जिसमें से आप सिलेक्टिवली कुछ टॉपिक्स ले सकते हैं और उसको अपने NCERTs और इग्नू के नोट्स, या फिर जनरली जो आप नोट्स बना रहे हैं, क्लास नोट्स हैं या प्रीवियस ईयर टॉपर नोट्स हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने बुक पढ़ी थी रिविजन के लिए, दैट वाज एसेंशियल सोशोलॉजी। वो एसेंशियल सोशोलॉजी में हर टॉपिक जो सिलेबस में वर्ड्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग कवर्ड है और हर टॉपिक पर आपको काफ़ी मटीरियल मिल जाता है। उस बुक को मैंने पढ़ा, लेकिन उसमें मैंने काफ़ी वैल्यू एडिशन करी थी अदर सोर्सेस से जो मैंने अभी मेंशन करे, चाहे वो हरलंबस है, रिट्जर है या NCERTs है। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज़ की जो डिस्कशंस हैं उससे भी काफ़ी वैल्यू एडिशन मिलता है और उसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 5 साल के ज़रूर सॉल्व करके जाएं, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं और आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। इस तरह आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तैयारी को कॉम्प्लिकेट करने की बजाय मैं मानती हूँ कि सोर्सेज लिमिटेड रख के अपनी तैयारी को सिंप्लीफाई करें और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, सो दैट जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपकी टिप्स पे हों और आप ऑप्शनल अच्छे से कर पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद। Don't forget to subscribe with us and press the bell icon to never miss the video on Chanakya IAS Academy.